सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आप लोग का SSC CHSL का एग्ज़ाम कल लास्ट डेट था, खत्म हो चुका है आप लोग का SSC CHSL एग्ज़ाम। और दोस्तों एक दिन के अंदर ही आप लोग की आंसर की लिंक जनरेट हो चुकी है। अब दोस्तों आप लोग का जो है लिंक जनरेट हो चुकी है, आप लोग की आंसर की कब तक फाइनली आप लोग की आउट हो जाएगी, आप लोग की अपडेट हो जाएगी। तो अभी तक दोस्तों सिर्फ आप लोग की लिंक जनरेट हुई है, लिंक आप लोग खोल सकते हैं जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ, या फिर आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग को जो है आंसर की लिंक मिल जाएगी। अब दोस्तों आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों का आंसर की चेक करना है, कैसे क्या करना है, वो आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो है लिंक जनरेट हो चुकी है, बट दोस्तों इससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग जा सकते हैं, खोल सकते हैं। देखिए आप लोग की जो ये लिंक है वो आप लोग की SSC CHSL की है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप लोग की आंसर की लिंक डाउनलोड करना है। अगर तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं जो है इसको अगर मैं दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते CHSL Tier 1 2024 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे CHSL Tier 1 2024 यहाँ पे दिख रही है। तो आप लोग जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से कुछ खुल रहा है। तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर और आप लोग का पासवर्ड डाल देना है। देखिए रोल नंबर दोस्तों आप लोग जो अपने फॉर्म जो अपने आप एडमिट कार्ड में आपको दी होगी वो डालना है आपको। एक होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, एक होता है रोल नंबर। तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर ना डाल के आप लोग को जो यहाँ पे रोल नंबर डाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर मैं डाल लेता हूँ एक बार। सो दोस्तों यहाँ पे मैं रोल नंबर डाल दिया हूँ और ये एक किसी एस्पिरेंट का है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का पासवर्ड देख सकते हैं, पासवर्ड भी दोस्तों मैं डाल दिया है। पासवर्ड दोस्तों आप लोग का वो है जो कि आप लोग ने फॉर्म भरते वक्त आपका डेट ऑफ बर्थ डाला था, जो कि DDMMYYY के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। DDM जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 1 जुलाई 2001 का है, तो उसका जो पासवर्ड होगा वो 0101 और 2001, इस तरीके से आप लोग का पासवर्ड होगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप लोग लॉगिन करना, लॉगिन जैसे करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोग का जो है इंटरफेस खुल रहा है। और जैसे आप लोग का इंटरफेस खुल रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लोज करके जो है इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अभी तक दोस्तों जो है ये इस तरीके से लिंक जनरेट हो गया है खाली, अभी तक आप लोग की आंसर की दोस्तों यहाँ पे आउट नहीं हुई है। दोस्तों जैसे आप लोग की आंसर की आउट होगी आप लोग को दोस्तों मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का एप्लीकेंट नेम, रोल नंबर और सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दी हुई है। तो आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं अपना अपना, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है ऊपर 3 डॉट है, वहाँ पे भी क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे दोस्तों लॉग आउट का सिर्फ ऑप्शन आ रहा है और कोई दोस्तों यहाँ पे अभी तक ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पेपर विद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन पेपर एंड विद आंसर दोस्तों यहाँ पे क्लिक आएगा ऑप्शन। फिर यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन एक आता है यहाँ पे नीचे, तो क्लिक हियर करेंगे तो सीधा आप लोग का जो है आंसर की आ जाएगा, ठीक है। क्लिक हियर टू जनरेट ऐसा करके आता है एक ऑप्शन, तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के आंसर की खुल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग को अपना अपना आंसर की चेक करना होगा। दोस्तों ये सिर्फ अभी तक लिंक जनरेट हुआ है, आप लोग की लिंक फाइनली एक्टिव नहीं हुआ है। दोस्तों जैसे आप लोग का एक्टिव हो जाएगा तो आप लोग को दोस्तों मैं अपडेट कर दूंगा। अपडेट पाने के लिए लेटेस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, ताकि आप लोग को सबसे पहले कोई भी अपडेट मिल जाए, जिसकी मैं वीडियो नहीं भी बना पा रहा हूँ तो आप लोग को उसकी अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा लगा होगा वीडियो। ऐसे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की अदर अपडेट के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दिए, चैनल पर पुराने बने रहें, तब तक के दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।